बारिश का मौसम जितना सुहाना होता है उतना ही ज़्यादा इन्फेक्शंस के लिए आपको प्रोन करता है। अब इस मौसम में होने वाला एक बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है टाइफॉइड इन्फेक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चक्षु, स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं मैं हेल्थ एजुकेशन वीडियोज़ बनाता हूँ। आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे टाइफॉइड फीवर के बारे में और आपको बताएंगे कि टाइफॉइड फीवर क्या होता है, किस वजह से होता है, किस तरह से ट्रांसमिट होता है, इस फीवर के अंदर हमें किस तरह के परहेज करने चाहिए, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए और किस तरह होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होती हैं टाइफॉइड फीवर के केस में। देखिए, टाइफॉइड फीवर एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं इस वीडियो में बहुत ही सिस्टमैटिकली बात करूंगा और आपसे आशा करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टाइफॉइड फीवर क्या होता है। टाइफॉइड फीवर एक इन्फ्लेमेटरी फीवर है जो कि हमारी बॉडी के अंदर साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब कॉमन लैंग्वेज में हम इसे एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं और हिंदी भाषा में हम इसको मियादी बुखार भी कहते हैं। अब ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन वाला जो फीवर है इसलिए ज़्यादा परेशान करता है पेशेंट्स को, क्योंकि इसके अंदर या तो बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर आएगा, 103 से लेकर 104 या 105 डिग्री तक बुखार आएगा और पैरासिटामोल खाने के बाद भी ये फीवर नॉर्मल नहीं होता है, या फिर इनिशियल स्टेजेस में ये स्टेप लैडर फीवर होता है जिसमें शाम में बुखार बढ़ने लग जाता है और सुबह तक आते आते ये बुखार कम हो जाता है लेकिन नॉर्मल नहीं होता है। अक्सर ऐसा भी देखा गया है पेशेंट्स के अंदर कि लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास फीवर कई हफ्तों तक मेंटेन रहता है और उसके बाद में जाकर डायग्नोस होता है कि ये पेशेंट को टाइफॉइड फीवर है। तो इस तरह कई सारे वेरिएबल सिम्टम्स हैं और फीवर की जो एक पैटर्न है इसके अंदर काफ़ी केसेस में देखा गया है कि वेरिएबल रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब हुआ जब से पेशेंट को जो सिम्टम्स हैं वो आने शुरू हो जाएं। तो यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड होता है लगभग 3 दिन से लेकर 21 दिन के बीच में। अब समझिए कि ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कैसे होता है। देखिए, टाइफॉइड फीवर का इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होगा थ्रू फीको ओरल रूट। अब ये क्या होता है, फीको ओरल रूट का मतलब हो गया कि अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट कहीं ओपन एरिया में डेफिकेट करे, मतलब स्टूल पास करे, और बारिश के मौसम में बारिश के पानी के साथ या तो ये हमारे धरती के अंदर थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब हो जाए जो कि सॉइल के अपर लेयर्स तक रहे, या फिर उसी पानी के साथ ट्रैवल होकर किसी वाटर बॉडी में पहुंच जाए, जैसे किसी नदी में या किसी तालाब में पहुंच जाए। अब अगर उस तालाब या नदी में से या उस अपर लेयर ऑफ सॉइल में से हम पानी लेते हैं, जैसे अगर किसी का बोरिंग थोड़ा कम लेवल तक रहता है, कुछ कम फिट तक रहता है, उस हैंडपम्प का पानी लें, या फिर हम उस तालाब या उस नदी से पानी लेते हैं और फिर उसको पीने लग जाते हैं या फिर उससे खाना बनाने लग जाते हैं, तो ऐसे सोर्स के थ्रू किसी दूसरे पेशेंट को जब ये इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होगा उस इन्फेक्टेड पानी को पीने से या उस इन्फेक्टेड पानी से बने खाने को खाने से, तो उस इन्फेक्शन के पूरे साइकिल को हम बोलते हैं फीको ओरल रूट। तो ये इन्फेक्शन समझ लीजिए इसी तरह से ट्रांसफ़र होता है। तो अगर आप बारिश के मौसम में कहीं बाहर के गोलगप्पे खाते हैं या कहीं बाहर का किसी हैंडपम्प का पानी पी लेते हैं या फिर कहीं और किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे बारिश के मौसम में जाकर कुछ खा लेते हैं तो हमेशा चांसेस होते हैं टाइफॉइड फीवर होने के। अब हम बात कर लेते हैं कि ये बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या करता है। तो जब हम इस तरह का इन्फेक्टेड पानी या इन्फेक्टेड फूड खा लेते हैं, कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं, तो ये हमारी बॉडी में स्टमक में जाएगा, स्टमक से इंटेस्टाइंस में जाएगा। अब इंटेस्टाइंस में पहुंचने के बाद ये बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाता है, मल्टीप्लाई करने लग जाता है और मल्टीप्लाई होने के बाद ये साल्मोनेला टाइफी टॉक्सिन्स एक एक सेल के अंदर जाकर रिलीज करता है जिसकी वजह से हमारे इंटेस्टाइंस के अंदर इन्फ्लेमेशन आने लग जाती है। उसके बाद ये बैक्टीरिया ब्लड में जाता है और ब्लड के थ्रू हमारे लिम्फ नोड्स तक पहुंच जाता है, स्प्लीन तक पहुंच जाता है, लिवर तक पहुंच जाता है और सभी जगह पहुंचने के बाद या तो लिम्फेडिनोपैथी करने लग जाता है या फिर हमारे स्प्लीन के अंदर स्प्लीनोमेगैली कर देता है या फिर हमारे लिवर के अंदर हेपेटोमेगैली कर देता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स महसूस होते हैं इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। एक और बात जो समझने वाली है वो ये है कि कभी कभार कुछ पेशेंट्स कुछ सालों तक कैरियर बने रहते हैं, यानी कुछ सालों तक उन्हें पता ही नहीं चलता उन्हें टाइफॉइड का इन्फेक्शन है, साल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन है, और वो इसको सालों तक अपने साथ कैरी करते हैं। जहाँ जहाँ वो डेफिकेट करते हैं वहाँ वहाँ से वो इन्फेक्शन कैरी आउट होता है और आसपास के लोगों को फैलने लग जाता है। तो इसलिए समझना ज़रूरी है, अगर आप अनहाइजीनिक एरियाज में रहेंगे तो आपको जो फूड कंटैमिनेशन है उसके थ्रू इन्फेक्शन होने के चांसेस टाइफॉइड फीवर के हमेशा बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो जब आप सिम्टम्स की बात करेंगे तो समझना पड़ेगा कि सिम्टम्स को हम लोग वीक्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं, यानी फर्स्ट वीक, सेकंड वीक और थर्ड वीक।
तो समझ लीजिए कुछ सिम्टम्स टाइफॉइड फीवर के हमेशा कॉमन मिलेंगे, जैसे नंबर वन एनोरेक्सिया यानी भूख न लगना, दूसरा शरीर में दर्द होना, बहुत ज़्यादा दर्द होना, हमेशा जो है थकान सी महसूस होते रहना बहुत ज़्यादा, उसके बाद पेशेंट को इतनी वीकनेस आने लग जाती है, उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है। अक्सर देखा गया है कि पेशेंट सेकंड वीक और थर्ड वीक के अंदर बिल्कुल पस्त हो जाता है, पड़ा रहता है, पानी पीने की इच्छा ना करना, मुंह के अंदर ड्राइनेस रहना, बार बार मोशन के लिए जाना, पेट में दर्द होना, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं। हर वीक के अंदर आपको ये मिलेंगे, किसी वीक में ज़्यादा मिलेंगे, किसी वीक में कम मिलेंगे, और हर पेशेंट के अंदर इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा और कम हो सकती है, लेकिन ये सिम्टम्स आपको कॉमनली दिखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मेजर सिम्टम्स की। तो जब फर्स्ट वीक के अंदर पेशेंट हमारे पास आता है तो यहाँ पर मिलता है स्टेप लेडर राइज ऑफ फीवर, मतलब शाम के समय में ये फीवर बढ़ जाएगा और सुबह तक आते आते फीवर कम हो जाएगा, लेकिन फीवर नॉर्मल नहीं होगा। अब अक्सर ऐसे केसेस में देखा गया है कि पेशेंट का फीवर लगभग 100 डिग्री के आसपास मेंटेन हो जाता है और पेशेंट को आदत सी पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर माइल्ड इन्फेक्शन होता है। अब हम बात करेंगे सेकेंड वीक की। जब सेकेंड वीक में पेशेंट आता है तो अक्सर देखा गया है कि पेट के ऊपर रोज स्पॉट्स हो जाते हैं, लाल रंग दंग के थोड़े से दाने से हो जाते हैं, कभी कभार चकत्ते से पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फीवर होता है वो फीवर लगभग 103 से लेकर 105 डिग्री तक हो जाता है। पैरासिटामोल या एंटीपायरेटिक्स देने के बाद भी ये फीवर नहीं उतरता है और पेशेंट को यहाँ पर ज़्यादा परेशानी होती है अगर पेशेंट प्रॉपरली परहेज नहीं करता है या फिर दवाइयाँ नहीं खाता है। तो अर्ली डायग्नोसिस जब अगर हो जाती है, पेशेंट की दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, तो सेकेंड वीक में पेशेंट्स को धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आने लग जाता है। पर अगर डायग्नोज नहीं हुआ है और सेकेंड वीक में पेशेंट आता है तो हमेशा फीवर हाई ग्रेड मिलेगा, कंटिन्यूस मिलेगा, और दवाइयाँ खाने के बाद भी फीवर डाउन नहीं आएगा, साथ में पेट के ऊपर चकत्ते भी मिलेंगे। अब जो थर्ड वीक आती है, थर्ड वीक में यहाँ पर आने के बाद फीवर फॉल करने लग जाता है अगर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए हैं तो, और जब फीवर फॉल करेगा तो उसके साथ में पेशेंट की थोड़ी सी थकान भी इम्प्रूव होती है, शरीर का दर्द भी इम्प्रूव होता है, पेट का दर्द भी इम्प्रूव होता है। अक्सर देखा गया है कि पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन की भी टेंडेंसी बन जाती है ड्यूरिंग टाइफॉइड फीवर, और कभी कभार डायरिया भी होने लग जाता है। अब क्योंकि वाटर लॉस कभी कभार पेशेंट्स में होता है या तो वॉमिटिंग के थ्रू या डायरिया के थ्रू, इसलिए पेशेंट के अंदर जो है मुंह सूखने लग जाएगा, गला सूखने लग जाएगा, या तो पानी पीने की बिल्कुल इच्छा कम हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा प्यासा लग जाएगी। तो सिम्टम्स आर ऑलवेज वेरिएबल, पर जो बेसिक कार्डिनल सिम्टम्स हैं वो आपको हर केस में देखने को मिलते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। तो देखिए समझिए, इन्वेस्टिगेशंस में टाइफॉइड के लिए जो हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं वो होता है विडाल टेस्ट और या फिर एलाइजा यानी टाइफी डॉट IgG IgM। तो अब सबसे पहले मैं बात करूँगा विडाल के बारे में। देखिए विडाल कराना एक कॉन्ट्रडिक्टरी टॉपिक है कि हमें कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो कैरियर हो जाते हैं टाइफॉइड फीवर के, ऐसे पेशेंट्स के अंदर कई महीनों तक या कई सालों तक विडाल पॉजिटिव आता रहता है। अक्सर मैंने सुना है पेशेंट को कहते हुए कि सर 6 महीने पहले कराया था तब भी पॉजिटिव था, अब 6 महीने बाद करा रहे हैं तब भी पॉजिटिव है, और कई बार किसी और कारणों की वजह से भी आपके अंदर विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग, क्योंकि ये एक सस्ता टेस्ट है और बहुत कॉमनली किसी भी लैब में हो जाता है, इसलिए हम लोग इसे प्रेफरेंस देते हैं। पर जब हमें कंफर्मेशन करना होता है कि पेशेंट के अंदर वास्तव में टाइफॉइड इन्फेक्शन है या नहीं, तो हम कराते हैं एलाइजा टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं टाइफी डॉट IgG IgM। अब IgM का मतलब हुआ अभी इन्फेक्शन है, और IgG का मतलब हुआ कि इन्फेक्शन था और वो ठीक हो चुका है। तो यहाँ पर ये कन्फर्मेशन हो जाता है। इसके अलावा जो कुछ कन्फर्मेटरी टेस्ट और हैं उसमें आता है ब्लड कल्चर और स्टूल कल्चर, पर यहाँ पर एक क्लॉज है कि अगर पेशेंट ने एंटीबायोटिक्स खा ली है तो फिर ये कल्चर स्टेराइल आएंगे, पर अगर पेशेंट ने एंटीबायोटिक नहीं खाई है तो यहाँ पर 3 से 4 दिन के बाद जो ब्लड कल्चर या स्टूल कल्चर की रिपोर्ट आएगी उसमें आपको सेल्मोनेला टाइफी की ग्रोथ दिखाई देगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे पर वीक में हम कौन से टेस्ट कराते हैं। देखिए अगर आप फर्स्ट वीक में आएंगे जिसमें स्टेप लेडर अपीयरेंस है फीवर का, कमजोरी भी हो रही है और भी दिक्कतें हो रही हैं, तो हम सबसे पहले कराएंगे आपका CBC विद ESR। उसमें हम देखेंगे प्लेटलेट्स तो डाउन नहीं हो रहे हैं, आपका जो ल्यूकोसाइट काउंट है वो तो नहीं बढ़ रहा है, ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर मेजर करते हैं। इसके बाद अगर रिक्वायर्ड होगा तो हम LFT कराएंगे, और अगर पेशेंट कहेगा मेरे पेट में दर्द ज़्यादा हो रहा है या उल्टियाँ ज़्यादा हो रही हैं तो हम उसके हिसाब से पेशेंट के लिए को अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, लेकिन विडाल या टाइफी डॉट नहीं करवाएंगे। अब जब पेशेंट सेकेंड वीक में हमारे पास आएगा जिसमें अगर उसने दवाई खा रखी है तो हो सकता है कंटिन्यूस फीवर ना आए, पर अगर उसने नहीं खाई है तो यहाँ पर हमें पेशेंट दिखेगा कंटिन्यूस फीवर में। तो हम क्या पूछेंगे, कितने दिन से तकलीफ है।
अगर 7 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तकलीफ को तो हम कराएंगे विडाल, और अगर इफ रिक्वायर्ड होगा तो उसके बाद हम कराएंगे टाइफीडॉट एलाइजा टेस्ट यानी IgG IgM। तो इस तरह से हम इस तरह पैटर्न लेके चलते हैं कि हमें कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराना है। अब जो ब्लड कल्चर्स होंगे वो भी हम 7 दिन के बाद कराएंगे। ब्लड कल्चर में हम ब्लड कल्चर कराएंगे और स्टू कल्चर कराएंगे, दोनों कल्चर्स जो कराएंगे 7 दिन के बाद कराएंगे, 3 से 4 दिन में रिपोर्ट आएगी। अगर एंटीबायोटिक्स नहीं खाया है तो कन्फर्म हो जाएगा कि सालमोनेला टाइफी का इन्फेक्शन बॉडी के अंदर है। तो इस तरह से ये पैटर्न फॉलो करते हैं हम लोग इन्वेस्टिगेशंस के लिए। अगर रिक्वायर्ड होती है और पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो ऐसी कंडीशन में फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के बारे में सोचते हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। देखिए टाइफॉइड फीवर के अंदर कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं पेशेंट को, अगर प्रॉपर पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं लेता है या प्रॉपर ड्यूरेशन तक ट्रीटमेंट को कंटिन्यू नहीं करता है। तो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है इंटेस्टिनल स्वेलिंग, जिसे हम कोलाइटिस भी बोलते हैं। इसकी वजह से पेशेंट को कभी कभी अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो जाती है। कभी कभी पेशेंट के अंदर कई कई दिनों तक दर्द खत्म नहीं होता, स्टमक एक या कॉलिक जो है वो बना रह जाता है, क्रैम्प भी पेन होने लग जाते हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस में पेशेंट को हिपैटोमिगैली स्प्लीनोमिगैली तो हो ही जाती है, अगर ये दोनों चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो हिपैटोमिगैली ग्रेड 2 या स्प्लीनोमिगैली ग्रेड 2 के आगे बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा सिम्टम्स पेशेंट्स को हो सकते हैं। कई बार रेक्टल ब्लीडिंग भी हो जाती है यानी इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी हो जाती है पेशेंट को। कभी कभार पेशेंट को एपिस्टैक्सिस भी हो जाता है यानी नोज ब्लीडिंग भी हो जाती है। इसके बाद अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिले तो पेशेंट के अंदर माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो जाता है, यानी इंटेस्टाइन्स हम कुछ भी खा रहे हैं तो वहाँ पर इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्प्शन रेट पुअर हो जाता है, खाना प्रॉपरली पेशेंट को नहीं लगता और लॉस ऑफ वेट हो जाता है, पेशेंट के अंदर लिथार्जी आ जाती है। तो इस तरह से कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं टाइफॉइड फीवर में। तो जब इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को हो सकते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है समझना कि टाइफॉइड फीवर के केस में परहेज किस तरह करना चाहिए। देखिए अगर आपको टाइफॉइड इन्फेक्शन हो गया और आप मेरे पास आते हैं, मैं डायग्नोस कर लेता हूँ इन्वेस्टिगेशंस के बाद कि टाइफॉइड का इन्फेक्शन है, तो सबसे बड़ा परहेज़ है कि आपको हाइजीनिक फूड एंड वाटर लेना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को बॉइल्ड पानी पीना चाहिए या फिर आरओ वाटर भी ले सकते हैं, जिसका TDS 160 के आसपास पेशेंट को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा पेशेंट को खाना बहुत ही सिलेक्टेड खाना चाहिए। आप अपनी डाइट के अंदर सूजी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप उपमा ले सकते हैं, आप इडली ले सकते हैं, थोड़ा सा चीला ले सकते हैं कम तेल में सिका हुआ। इसके अलावा आप जो है दलिया खा सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं। अगर आपको रोटी खाने की इच्छा कर रही है, चावल खाने की इच्छा कर रही है, तो राइस आप खाएंगे ओवर कुक्ड राइस या बॉइल्ड राइस, माड़ निकला हुआ चावल लेंगे, या फिर अगर आपको रोटी पसंद है तो आप रोटी किसी चीज़ में भिगो के लीजिए, या तो दाल में भिगो के लीजिए या किसी सब्जी में भिगो के लीजिए। अब जो भी सब्जी आप लेना पसंद करें उसे लिक्विड फॉर्म में लेंगे और ओवर कुक्ड सब्जियाँ लेंगे। इसके अलावा आप दाल लेंगे तो आप मूंग की दाल प्रेफर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अरहर की दाल पतली करके प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन बादी दालें जैसे उड़द की दाल या मसूर की दाल या चना या राजमा, इस तरह की चीज़ें आप नहीं ले सकते। तो बेसिक समझ लीजिए कि अगर आपको टाइफॉइड इन्फेक्शन हुआ है तो समझ लीजिए आपके मुंह में दांत नहीं है, आपको इस तरह से खाना खाना है जो आपको कम से कम च्यू करना पड़े और आपके इंटेस्टाइंस में जाके प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो पाए। अब क्योंकि यहाँ पर इंटेस्टाइंस के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाता है, इसलिए चांसेस रहते हैं जैसे ही आप थोड़ा ज़्यादा लेस कुक्ड फूड लेंगे या रॉ फूड ज़्यादा लेंगे तो पेशेंट को दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर आप सैलेड लेना चाहते हैं, फ्रूट्स लेना चाहते हैं, तो उसे प्रॉपरली च्यू करके लेंगे या फिर छोटे छोटे पीसेस में लीजिए। हमेशा प्रेफर करा जाता है कि फ्रूट्स और सैलेड आप एक साथ लीजिए और कद्दूकस करके लीजिए, या फिर जिसे हम कहते हैं कि आप चॉप्ड लीजिए, उससे पेशेंट को ज़्यादा इंप्रूवमेंट आता है। अब अगर आपको वीकनेस रहती है और अगर आप जूसेस लेना चाहते हैं तो जूसेस फ्रेश निकलवाइए, किसी भी तरह का पैकेज्ड फूड मत लीजिए, हो सकता है आपको इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। अब इन्वेस्टिगेशंस के बाद हम लोग बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर टाइफॉइड से रिलेटेड सबसे पहले 2 मिथ हैं लोगों के मन में। नंबर 1 इज कि टाइफॉइड वैक्सीन लेने से हमें इन्फेक्शन टाइफॉइड का नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कंटैमिनेटेड जगह से अगर कोई भी फूड आइटम लेंगे या कोई भी ड्रिंक लेंगे तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बने रहेंगे, लेकिन टाइफॉइड वैक्सीन जिनको लगी है उनका बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है और वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं, उन्हें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। टाइफॉइड वैक्सीन सिर्फ आपको इतनी सी हेल्प करती है, इसलिए इस मिथ को अपने दिमाग से निकालिए। अब जो दूसरा मिथ है वो ये है कि जैसे ही आपको टाइफॉइड इन्फेक्शन हुआ या आपको लग रहा है या आपको कई समय से हो रहा है, कई बार हो जाता है, तो फौरन जाकर सिफेक्सिम जैसी कोई भी एंटीबायोटिक ना खाएं।
अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो गलत एंटीबायोटिक लेने की वजह से, या फिर अगर आप प्रॉपर एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ड्रग रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर आप बात करेंगे होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में, देखिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिंस हैं और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं टाइफॉइड के केसेस के लिए। मैं खुद अपने क्लिनिक में सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ और कितने पेशेंट्स को बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। तो जो दवाइयाँ मैं कॉमनली प्रेस्क्राइब करता हूँ वो है, नंबर वन इज़ बैप्टीसिया, नंबर टू इज़ ब्रायनिया, नंबर थ्री इज़ जलसीमियम, नंबर फोर इज़ रस्ट्रॉक्स एंड नंबर फाइव इज़ आर्सेनिक एल्बम। तो ये चार जो पांच की पांच दवाइयां हैं, ये पांचों दवाइयां मैं बहुत कॉमनली प्रेस्क्राइब करता हूं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप भी इनमें से कोई एक दवा ले लेंगे थोड़ा बहुत सिम्टम्स के बारे में पता करके। सबसे ज़रूरी है समझना, होम्योपैथी में हमेशा पर्सनलाइज ट्रीटमेंट पर फोकस करिए ताकि आप डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस के हिसाब से मेडिसिन सिलेक्शन प्रॉपरली कर पाएँ और पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आ पाए। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी होंगी टाइफॉइड फीवर के बारे में। अगर आप इन जानकारी से संतुष्ट हैं तो जनहित में इस वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं इसी तरह आगे और भी वीडियोस बनाता रहूं। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।